चेयरमैन सोभालाल जी से मेरा रिश्ता हमेशा एक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा 2010 में भी मैं चेयरमैन की दौड़ में था और डायरेक्ट पब्लिक द्वारा फाइट थी, तो उसमें मुझे टिकट नहीं दिया गया, फिर भी मैंने सोभालाल जी का साथ दिया। और 2010 के बाद वापस 2021 में जब ये एससी की सीट आई सामान्य पुरुष की, तो उस समय मैं मतलब उसमें भी मैं मुझे नज़रअंदाज किया गया और मुझे नकारा गया, फिर भी मैंने सोभालाल जी का साथ दिया। और फिर उसके बाद जब मैंने जीतने के बाद मेरे वार्ड के जो कार्य है मैं सोभालाल जी के पास चेयरमैन साहब के पास लेके गया, चेयरमैन साहब को कहा मेरे वार्ड के काम क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए। दोबारा गया तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए। और स्थानीय पार्टी पदाधिकारी द्वारा मुझे नज़रअंदाज किया गया और मुझे मतलब जो पद देना चाहिए वो नहीं दिया गया। उस समय मैं चुनाव लड़ा, चेयरमैन के लिए ही मैंने प्रयास किए और पार्टी ने पूरा आश्वासन दिया कि आपको चेयरमैन बनाएंगे। मैंने उसी हिसाब से प्लानिंग से अन्य वार्ड में भी वर्क किया और हेल्प की, और आगे जाके जब कैंप में गए उस समय भी आश्वासन दिया कि आप ही को चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन मेरे साथ स्थानीय जो पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने मुझे किनारा कर दिया। इसका कारण ये रहा, जब से विधायक महोदय हरि सिंह जी आए हैं तब से लेके अब तक जो मुझे दरकिनारा किया गया, और उसके अलावा अमर सिंह जी, सोभालाल जी, इन तीनों की तिकड़ी द्वारा हमेशा मुझे अभी 2021 में भी मैं कैंडिडेट था चेयरमैन का और मैं इनके कैंप में साथ था, तो मुझे दबाया गया और मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। इन लोगों द्वारा हमेशा आए दिन जब भी मौका आता है मुझे दरकिनारा किया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है। बोर्ड बैठक का दायित्व तो चेयरमैन का होता है, और उसके अलावा हमने पार्षद से संपर्क में और उनसे विकास कार्यों की लिस्ट मांगी है, कुछ पार्षदों की आ गई है, कुछ पार्षदों की आनी बाकी है, तो उनसे लिस्ट आते ही और जल्दी से जल्दी बैठक आउट की जाएगी। अभी जो पहले जो बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई वो तो सोभालाल जी बता सकते हैं चेयरमैन साहब के, उन्होंने क्यों नहीं बुलाई। आपने इन दो दिनों में क्या खास कार्य किए हैं? अस्थाई कर्मचारी को वापस काम पर लिया, वो 52 कर्मचारी थे वापस काम पर आए, और सारी व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उसे सुधारने के लिए। और पिछले 2 वर्ष से जो काम रुके हुए थे विकास कार्य, वो 3.5 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए, और 4 माह से रोके हुए जो पट्टे की फाइलें थी उसमें से 60 फाइलों पर मैंने सिग्नेचर किए। विकास के लिए मुझे हर संभव कोशिश करूंगा, और संभवतः चाहे विधायक साहब हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हर संभव प्रयास करूंगा। देवगढ़ एक ही ध्येय मेरा, देवगढ़ का विकास। मैं अपनी नियुक्ति का श्रेय माँ करणी को दूंगा और देवगढ़ की जनता को दूंगा, और उसके अलावा बाबा साहब को दूंगा, राज्य सरकार को दूंगा और अपनी पार्टी को दूंगा। राजनीतिक करियर मेरा सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहा, और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा।